अति स्वादिष्ट, धन्यवाद नंदी जी। हाँ अगम, सही कहा। मूषक, अब तुम आराम करो, बाकी सब काम हम पर छोड़ दो। ये तो कमाल हो गया, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। भूकंप? पर ये धरती तो अचल है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे बेटा गणेश, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं हुआ माँ, हम सब ठीक है, पर यहाँ तो भूकंप होना नामुमकिन ही है। ये कैसे हुआ? बेटा तुम्हारे पिताश्री और मैं यहाँ पर बैठे थे और अचानक से धरती हिलने लगी। प्रभु ने जब ध्यान लगा के देखा तो पता चला कि राक्षस राजा रावण कैलाश को उठाने की कोशिश कर रहे थे। जब उनके सबसे प्यारे भक्त ने ये दुष्कर्म किया तो उन्हें सबक सिखाने के लिए प्रभु ने अपने अंगूठे से कैलाश को स्थिर कर दिया। और अब राक्षस राजा रावण का क्या होगा? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ कर दीजिए भोलेनाथ, मेरे अहंकार की वजह से आप मुझसे नाराज हो गए। रावण, तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना होगा, परंतु तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। भोलेनाथ, मैंने ये सब सिर्फ आपके दर्शन पाने के लिए किया। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? भोलेनाथ, मैं तो बस आप ही के जैसे शक्तिशाली होना चाहता हूँ। सच्चे भक्त भगवान के दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटते। तथास्तु। ये लो राक्षस राजा रावण, आज मैं अपनी सारी शक्ति का स्रोत तुम्हें सौंपता हूँ, किंतु एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त भोलेनाथ? एक बार जब तुमने आत्मलिंग उठा लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे नीचे नहीं रख सकते। जब तक कि तुम अपने अंतिम स्थान पर पहुंच ना जाओ। अगर तुमने आत्मलिंग को नीचे रख दिया तो उसे वापस उठाना असंभव हो जाएगा राजा रावण। आत्मलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा और तुम उसकी शक्ति का उपयोग भी हमेशा के लिए खो दोगे। जय शिव शंकर, आपने मेरी इच्छा पूरी करके मेरी भक्ति और भी गहरी कर दी। अब जब राक्षस राजा रावण ने आत्मलिंग को प्राप्त कर लिया है तो उन्हें हराना असंभव हो जाएगा। सही कहा नंदी, हमें कुछ तो करना होगा। प्रभु, पर वे तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। अगम, सही कहा, और वो बहुत विद्वान भी हैं। तुम सब सही कह रहे हो, हमें एक योजना की जरूरत है। प्रभु, अब तक तो वे काफी दूर पहुंच गए होंगे, तो हमें जल्दी से निकलना होगा। चले चलो। अब तो मेरे पास आत्मलिंग है, अगर मैं सुबह शाम इसकी पूजा करूं, तो मैं और भी शक्तिशाली बन सकता हूं और इस दुनिया के तीनों लोक में राज कर सकता हूं। हमें कुछ भी करके रावण को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या चल रहा है? प्रभु, हमारे पास दो योजनाएं हैं। अच्छा, बताओ। हम एक बड़ी गुलेल बनाएंगे और उससे एक साथ बहुत सारे नारियल फेंकेंगे। नारियल रावण जी के हाथों पर गिरेंगे, रावण जी रोएंगे और दर्द के मारे उनके हाथों से आत्मलिंग गिर जाएगा। प्रभु, हमारी योजना इनसे अच्छी है। हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे
और उसे पत्तों से ढक देंगे। रावण जी जब पत्तों पे पैर रखेंगे तो आराम से गड्ढे में गिर जाएंगे और आत्मा लिंग भी गिर जाएगा। ये योजना तो प्रभु आप निश्चिंत रहिए, हमारी योजना से हम अवश्य जीत जाएंगे। अब मेरे पास एक ही उपाय है। ओहो, शाम हो गई है और संध्या वंदन का समय भी हो गया है, पर उसके लिए आत्मलिंग को नीचे रखना होगा। नहीं नहीं, अगर इसे नीचे रख दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूं? सुनो बालक, मेरी संध्या वंदन का समय हो गया है, इसलिए तुम कुछ समय के लिए इस आत्मलिंग को पकड़ो। मैं तुरंत संध्या वंदन करके आता हूँ, उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे उपहार दूंगा। श्रीमान, मुझे सूर्यास्त से पहले घर पहुँचना है, पर आपकी भक्ति देखकर मैं आपको ना नहीं कह सकता। धन्यवाद बालक, पर याद रखना इसे किसी भी हाल में नीचे नहीं रखना। परंतु ये काफी भारी है, अगर मैं इसे लंबे समय तक पकड़ ना सकूं तो? मेरे पास एक युक्ति है, मैं आपको 3 बार बुलाने की कोशिश करूंगा। अगर आप नहीं आ सके तो मुझे इस शिवलिंग को नीचे रखना होगा। ठीक है, मुझे ये स्वीकार है। जल्दी कीजिए श्रीमान, ये बहुत ज्यादा भारी है, मैं इसे नहीं पकड़ सकता, मुझे इसे नीचे रखना ही होगा। तुम कौन हो बालक? मैं हूँ शिव पुत्र बाल गणेश। क्या तुम मुझसे मेरा वरदान छीनने आए हो? हाँ, ताकि आप इसका दुरुपयोग ना कर सको। रावण, राक्षसों का राजा हूँ मैं, रावण, देवता भी डरते हैं मुझसे, मुझसे टक्कर लेने की कोई सोच भी नहीं सकता, और तुम एक छोटे से बालक मुझसे टक्कर लेना चाहते हो, मेरा वरदान छीनना चाहते हो? हाँ, क्यों नंदी, मूषक, हम यही करने वाले थे ना? बाल गणेश, तुम जानते नहीं मैं कितना शक्तिशाली हूँ, न शस्त्र से न विद्या से मुझे कोई नहीं हरा सकता, तुम भी नहीं। अरे ब्रिंगी, तुम्हें क्या लगता है मैं इन्हें हरा पाऊंगा? हाँ शायद या शायद नहीं, प्रभु आप इन्हें चुनौती दे तो पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। आहा, मुझे चुनौती स्वीकार है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे हारो, मेरी अंतर से यही इच्छा है कि तुम मुझसे हारो। अरे क्या हुआ? रावण जी आप तो गए। कितने मूर्ख है ये सब। राक्षस राजा रावण, मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ उनकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। आपने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, तथास्तु। मेरी चुनौती है कि अगर आप केवल मेरे एक पैर को इस धरती से हटा सके तो मैं आपको आत्मलिंग लौटा दूंगा। इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो चुटकी में हो जाएगा। Thank you.
अब मुझे आपकी योजना का मतलब समझ में आया। प्रभु, आपकी हार में भी जीत है और मेरी जीत में भी हार है। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। अरे खाना कहाँ गायब हो गया? रहते हो इनको हमेशा? क्यों इनका सारा खाना खा गए? क्षमा करना माँ, फिर से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर अगली बार नहीं। मैं अभी और खाना भेजती हूँ तुम सबके लिए। भूख लगी है, कुछ सोचना पड़ेगा। खाना स्वादिष्ट था। मेरा पेट तो भर गया। अब तुम सब आराम से अपना खाना खा लो। ये क्या हो रहा है? ये तो व्यमसुर है। इसका इतना साहस कि इसने कैलाश पे आक्रमण किया? माँ, भोलेनाथ भी नहीं है, वो तो गुफा में ध्यान लगाकर बैठे हैं। गणेश, कहाँ है वो? माँ, प्रभु तो अंदर है। बालक, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे पता है भोलेनाथ ध्यान मुद्रा में है। अब मैं कैलाश पे अपना राज स्थापित करूंगा। दूर हट जा यहाँ से। तू तो एकदम छोटा है, छोटा, इतना सा मेरे सामने, तू क्या मुझे मारेगा? मारेगा मुझे? ले मार, मारना। मेरी चाहे तू मुझे मार। क्या हुआ, क्या हुआ? व्योमा, तू तो गया। व्योमा सुर, मेरे भक्त जब भी कुछ दिल से मांगते हैं, तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ। बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है, तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। Ah!
लगी है? चलो, मैंने मोदक बनाए हैं। मोदक? नहीं माँ, प्रभु सब खा जाएंगे और हम सब फिर से भूखे रह जाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हे बाल गणेश, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। आप आ गए स्वामी। प्रसाद। रानी इंदुमती, हमें तो ये समझ नहीं आता कि हम जैसे रूपवान पति को छोड़कर आपका मन इस मोटी तोंद और लंबी नाक वाले में कैसे लगता है। हम राजा चित्रंगद है, हमारे जैसा कोई रूपवान राजन मैं हम शिकार करने जा रहे हैं जंगल में। हे बाल गणेश, इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कृपा करके अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखें। आओ 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 आओ। सही कहा अगम, नंदी को जब देखो तब गुस्सा आ जाता है। कितना गुस्सैल है वो, और गुस्से में उसकी शक्ल एकदम भयानक हो जाती है। अरे सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी डर जाएं उसकी डरावनी शक्ल देखकर। क्या? अरे नहीं, अकेले नहीं, हम दोनों मिलके नंदी को ऐसा सबक सिखाएंगे वो रोज हमें इसी तरह से मालिश करेगा। अरे सेवक, इतनी जोर से नहीं, धीरे धीरे। क्या तुम्हारे शरीर में नंदी की आत्मा आ गई है क्या? नंदी तुम नहीं, वो तो हम तो। मैं डराने की चीज हूँ? अब तुम दोनों को डराता हूँ मैं। रुक, तेरा निकालता हूँ। अरे नंदी, क्या हुआ तुम्हें? इतने चिंतित क्यों हो? क्या फिर से तुम्हें अगम और बगम ने परेशान किया? नहीं प्रभु, अगम और बगम से मैं परेशान नहीं हूँ। इनको ठीक करना मुझे आता है। मैं परेशान हूँ राजा चित्रंगद से। प्रभु, वो हमेशा आपके बारे में बुरा भला कहते रहते हैं। आप कुछ कीजिए प्रभु। आपको तो पता ही है रानी इंदुमती आपकी कितनी बड़ी भक्त है। शांत नंदी, शांत। राजा चित्रंगद का रूप ही उसे धर्म संकट में डाल देगा। सामने आओ। लो, मैं सामने आ गई। बोलो। वो मैं शिकार यहाँ फंस गया। महल जाने का रास्ता बताएंगी आप? राजा चित्रंगद हो ना तुम, रूप के धनवान। सोचती हूँ तुमसे शादी कर लूँ, फिर हम दोनों मिलके शिकार करेंगे और गुम होने की समस्या ही खत्म, क्योंकि ये जंगल मेरा है।
यहाँ की हर चीज मेरी गुलाम है। ये तो राक्षसनी का जंगल है और महाराज तो अंदर घोर जंगल में चले गए हैं। हमें रानी को बताना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। नहीं, हे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरे पति को राक्षसनी ने? नहीं, नहीं, मुझे प्रभु से मदद मांगनी होगी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कुरुमदेव। ओहो प्रभु, ये श्लोक कितने कठिन हैं। मूषक, श्लोक कठिन नहीं है, तुम्हारी बुद्धि कठिन है। प्रभु, प्रभु, प्रभु। अरे नंदी, क्या हुआ? राजा चित्रंगत को राक्षसनी ने पकड़ लिया है और उससे विवाह करना चाहती है, और यदि राजा ने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार डालेगी। आखिर राजा के इस रूपवान शरीर ने उसे धर्म संकट में डाल ही दिया। चलो मूषक, आज की पढ़ाई खत्म। चलो आज उस राक्षसिनी को पाठ पढ़ाते हैं। मान जाओ राजा, शादी कर लो मुझसे, ये तेल तुम्हें मार डालेगा और फिर लोग मुझे ही बदनाम करेंगे कि मैंने तुम्हें मारा। बड़ी जल्दी है तुम्हें विवाह करने की राक्षसिनी। तुम लोग कौन हो? अच्छा, पंडित हो, मेरी शादी करवाने आए हो। राक्षसिनी, राजा को छोड़ दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझे डरा रहे हो? मुझे? मुझसे तो दुनिया डरती है और तुम मुझे डराने चले हो। मत भूलो, ये मेरा जंगल है और यहाँ मेरा राज है। यहाँ की पत्तियाँ भी मेरी दासी हैं। चलो जाओ यहाँ से। मैं जाने नहीं, तुम्हारी अकल ठिकाने करने आया हूँ। पकड़ लो इन सबको और मार डालो। देखा तुम्हारे साथियों का क्या हाल किया मैंने? तुम्हारी इच्छा तो बहुत हो रही होगी मुझे मारने की, मुझे डराने की। मेरी भी यही इच्छा है कि तुम मुझे मारो, मुझे डराओ। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं राक्षसिनी, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुमने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, तथास्तु। क्या 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 तथास्तु? डराने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। मैं नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। माफ कर दो,
मुझे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ इस पृथ्वी पर कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। चली जाओ और वापस कभी मत आना। बाल गणेश, मुझे माफ कर दो, मैं अपने सौंदर्य में इतना पागल हो गया था कि मुझे अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ में आ रहा था। प्रभु, मैंने आपको भी भला बुरा कहा, मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। बाल गणेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पति की जान बचाई। बाल गणेश, मैं हमेशा रानी को टोकता था आपकी पूजा करने से, लेकिन आज इसकी श्रद्धा की वजह से ही मेरी जान बची है। आज के बाद सिर्फ रानी ही नहीं, रोज हम दोनों आपकी पूजा करेंगे। राजा, मुझे खुशी है कि अब तुम्हें अपने सौंदर्य का घमंड नहीं है। तुम्हारी पत्नी के अच्छे कर्मों के फल स्वरूप तुम आज सकुशल निकल पाए हो।